Hey guys, myself Dr. Sujata, homeopathic doctor from Odisha. So this is going to be a day in my life vlog. मैं रात को घर पे रहती हूँ तो अभी ब्रेकफास्ट करके अपने न्यू रूम पे आ गई हूँ. एंड दिस इज़ माई न्यू रूम जिसपे मैं अपना सारा काम करती हूँ, अपना सेल्फ स्टडीज़ करती हूँ, अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारा काम. बेसिकली मेरा दिन, पूरा दिन यहीं पे निकल जाता है. रूम में आके सबसे पहले मैं ओबियसली विंडोज़ ओपन करती हूँ, फिर कर्टन हटाती हूँ. फिर आप लोग देख सकते हो टेबल के ऊपर छोटा सा बैग है, दैट इज़ अ हैंडमेड बैग. वो मैंने सिर्फ 10 रुपये में लिया था. एंड उस बैग में मैं अपना वाटर बॉटल एंड मोबाइल फ़ोन एंड ऑल्सो अपना जो डायरी वगैरह मैं जो भी घर लेके जाती हूँ तो उसमें वापस लेके आती हूँ. फिर उसको अच्छे से सेटअप करती हूँ, फिर उसके बाद अपना स्टडी स्टार्ट करती हूँ. And recently I have started my revision of anatomy. So मेरा basic ही book से मैंने start किया है, that is बिडी चौरासिया. तो उसका मतलब thorax मेरा complete हो गया है. अभी abdomen and pelvis का revision चल रहा है तो मैं उससे सिर्फ read करती हूँ. And जो भी clinically important points है उसको बस एक note down कर लेती हूँ. So उससे क्या होगा ना, मेरा मतलब reading and writing दोनों हो जाएगा. And easily थोड़ा मतलब revise हो जाएगा सारा कुछ जो भी important है. It doesn't matter whether you have completed your BHMS or you are in final year or you are in internship. Do start revising the anatomy. Obviously, if you want to do AIA PGT, like attempt AIA PGT for MD courses after BHMS or for any competitive exams, you have to revise the anatomy, physiology, and everything. Also, if you want to just practice after BHMS. Then also you have to start your revision of anatomy, physiology, pathology, surgery, gynecology, practice of medicine, because ये सारा कुछ पूरा लाइफ लॉन्ग ही इम्पॉर्टेंट है. तो वो जितना ज़्यादा अच्छे से रिवाइज होगा उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. Always try to be a student of homeopathy, student of medical science. It doesn't matter whether you have completed your BHMS or MD or after practicing many years, you have to learn different things, different aspects of medical science, aspects of disease, aspects of human beings. एंड अभी मैं नहा के बिल्कुल फ्रेश होके आ गई हूँ. एंड रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड टू जस्ट राइट द रूब्रिक्स फ्रॉम डिफरेंट रेपर्टोरीज. इट विल हेल्प मी टू गेटिंग फैमिलियर विद द लैंग्वेज ऑफ रूब्रिक्स, लैंग्वेज ऑफ रेपर्टोरी बेसिकली. सो मैंने पहले बोरिक रेपर्टोरी से सारे रूब्रिक्स मैंने ऐसे ही लिखा था. एंड उसके बाद अभी मैंने फाटक से स्टार्ट किया है टू राइट द ओनली द रूब्रिक्स, नॉट द रेमेडीज़, ओनली द रूब्रिक्स. लाइक मैं उसको रीड करती हूँ एंड आप देख सकते हो मैं उसको रीड करती हूँ एंड उसके बाद लिखती हूँ. सो उससे क्या होगा ना, लाइक यू विल गेट फेमिलियर विद द लैंग्वेज ऑफ रेपर्टोरी, क्या क्या रूब्रिक्स है कौन से रेपर्टोरी में. सो मैंने पहले बोरिक रेपर्टोरी से स्टार्ट किया था, दैट इज़ अ क्लिनिकल रेपर्टोरी. एंड नाउ आई एम ऑन फाटक रेपर्टोरी. If you are currently in final year ना, then अभी से ही रेपर्टोरी के रूब्रिक्स लिखना स्टार्ट कर दो. लाइक आपके पास कोई भी रेपर्टोरी हो उसको पकड़ो एंड उसके साथ उसका मतलब उसके अंदर जो भी रूब्रिक्स है ना, जस्ट राइट दोज रूब्रिक्स, ओनली द रूब्रिक्स, नॉट द रेमेडीज. इट विल हेल्प यू अ लॉट. जो भी सिंगल ड्रग रूब्रिक है ना, मतलब एक रूब्रिक में सिर्फ एक ही सिंगल रेमेडी दिया गया है, उसको मैं अंडरलाइन करती हूँ, लाइक हाईलाइट करके रखती हूँ. नाउ इट्स लंच टाइम एंड मैं वापस घर जा रही हूँ.
अभी मैं लंच करके आ गई हूँ, 15 to 20 minutes रेस्ट भी कर लिया। एंड उसके बाद जैसे कि आप लोग को पता है मैं इवनिंग में अपने बाबा के क्लिनिक जाती हूँ, सो उसमें मोस्टली द क्रोनिक केसेस जो भी आते हैं ना, तो वो मैं अच्छे से केस टेकिंग करती हूँ एंड उनको बोलती हूँ कि आप 2-3 दिन बाद आओ, बिकॉज मैं अभी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करती, सो इसलिए मैनुअली सारा कुछ करना पड़ता है, तो इट विल टेक मच टाइम। सो मैं पहले जो भी सिम्टम्स होता है उसको एक डायरी में अच्छे से सेपरेट लाइन्स में लिख लेती हूँ एंड उसके बाद आई यूज़ ऑन मोबाइल एप्लीकेशन दैट इज़ होम्योपैथिक पॉकेट रेपर्टोरी एंड उसमें बोरिक रेपर्टोरी एंड फाटक रेपर्टोरी है। तो अभी तो मैं मतलब मोबाइल से ही शूट कर रही हूँ, सो इसलिए मैं बोरिक रेपर्टोरी एंड फाटक रेपर्टोरी दोनों ही यूज़ करूँगी एंड उसमें जो भी रूब्रिक्स में पहले सर्च करती हूँ एंड उसके बाद रूब्रिक्स में से जो भी कॉमन रेमेडीज़ 4-5 या फिर 5-6 रेमेडीज़ निकलता है उसको मैं एलन्स की नोट, फाटक मेट्रामेडिका, बोरिक मेट्रामेडिका एंड ऑल्सो द बॉगर सिनाप्टिक की, उनमें फॉलो करके जो भी परफेक्ट रेमेडी फॉर दैट केस निकलता है वो फिर मैं चूज़ करती हूँ। सो एट द एंड रेपर्टोरी विल गाइड यू, बट एट द एंड द रिजल्ट और द रेमेडी विल, मतलब वो रेमेडी आपको मेट्रामेडिका से ही कन्फर्मेशन मिलेगा दैट दैट इज़ द रेमेडी फॉर दैट केस। एंड जिस दिन ज़्यादा केसेस नहीं होता है या फिर केसेस के बाद बहुत टाइम मिल जाता है मुझे, तो फिर आई मेक द इंस्टाग्राम पोस्ट एंड यूट्यूब के लिए क्या क्या कंटेंट बनाना है उसका स्क्रिप्ट लिखती हूँ एंड या मोस्टली मेरा दोपहर का टाइम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, केसेस इन सब में ही निकल जाता है अभी तो फ़िलहाल। एंड तब बारिश भी हो रहा था बहुत ज़ोर से, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया है एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माय विंडो। नाउ आई एम रेडी फॉर क्लिनिक, सो अभी क्लिनिक जा रही हूँ बाबा के साथ ओबियसली। अभी मेरा ऐसे कुछ प्लान नहीं था टू आर्ट द क्लिनिक ऑन व्लॉग्स, बट जस्ट बिकॉज आप लोग बहुत बार पूछते हो अबाउट द क्लिनिक, मैं क्लिनिक जा रही हूँ कि नहीं, सो दैट आई जस्ट एडेड अ वेरी शॉर्ट क्लिप, बट आफ्टर थॉरली सेटिंग ऑफ द क्लिनिक एंड बहुत कुछ करना है उसके बाद आई विल शेयर द क्लिनिक इन व्लॉग्स, डिटेल्ड इन व्लॉग्स। एंड नाउ अभी मैं वापस घर आ रही हूँ ओबियसली एंड वो भी बाबा के साथ। And after dinner, I watched the recorded session of NEEV foundation course by Asa Homeopathic Academy. So basically, अभी मैं यही 6 months course कर रही हूँ. So and that's it about this vlog. मिलते next video में. Ta-da!